मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती लगातार जारी है और तेलंगाना में रुझानों की बात करें तो कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो लगातार रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, 2 घंटे का वक्त अभी यहां पर हुआ है। बैलेट पेपर की गिनती यहां पर हुई है अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा टैली आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 140 सीटों पर यहां पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में बीजेपी यहां पर खासा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में आपको बताते चले, यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर देखा जाए तो कांग्रेस को यहां पर अक्सरियत मिल रही थी, लेकिन अभी जो वोटों की गिनती हो रही है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और अदर्स की बात करें तो सिर्फ 2 सीटों पर ही आगे नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान में 199 सीटों में से बीजेपी 120 पर आगे है, तो राजस्थान में यहां पर हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त देखने को मिली थी। और तेलंगाना की अगर बात करें तो अभी फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में कहा गया था। तो 119 सीटों में से 61 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। और अगर बीआरएस की बात करें, 50 सीटों पर आगे चल रही है। 2 बार से बीआरएस लगातार इक्तदार में यहां पर रही है, जब से तेलंगाना अलग हुआ है। बीआरएस जो कि पहले टीआरएस थी, केसीआर का जादू यहां पर रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उस रिवाज में सेंधमारी करती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। और यह देखना बेहद अहम होगा कि कहां पर किसका राज होगा, किसका रिवाज यहां पर बदलेगा और कहां कमल खिलेगा, कहां पंजाब बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा। इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी वोटों की गिनती यहां पर लगातार जारी है, रुझान भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद लगाई जा रही है तकरीबन 11 बजे के बाद जो है, जो ये रुझान है वो नतीजों में तब्दील